Hello guys, welcome back to the another video of the book Introductory Macroeconomics. आज हम लोग बात करेंगे हमारी जो यूनिट कंटिन्यू थी, यूनिट जो चल रही थी हमारी, उस यूनिट के सेकेंड चैप्टर के ऊपर जो कि है हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये चैप्टर हमारा जो हमारा लास्ट चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसी चैप्टर का एक्सटेंडेड वर्जन है, यानी उसी चैप्टर को यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने एडी और एएस के कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर आउट किए होंगे। अगर आपको एडी और एएस अच्छे से पता है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बारे में नॉलेज है, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। बट अगर आपको अभी तक आपको नॉलेज नहीं है तो पहले जाके मेरी वो वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट करिए हमारा आज की क्लास। आज की जो वीडियो है या आज का जो हमारा सेशन है, जो क्लास है, वो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो कि है मेरा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास अपने टॉपिक से। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या है, शॉर्ट रन, या ये जो चैप्टर है ये चैप्टर मेरी तीन चीजों पे बेस है। ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर के नाम में ही तीन चीजें हैं। क्या क्या है वो तीन चीजें, पहला शॉर्ट रन, दूसरा इक्विलिब्रियम और तीसरा आउटपुट। यहाँ पे मेरे पास ये तीन चीजें हैं, कौन कौन सी हैं, शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम एंड आउटपुट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट रन, शॉर्ट रन क्या होता है। तो अब आप कहेंगे शॉर्ट रन सर जो छोटा होता है, छोटे समय के लिए होता है वो शॉर्ट रन होता है, क्योंकि शॉर्ट मतलब छोटा, रन मतलब जो समय हमारा दौड़, तो जो छोटे समय के लिए जो भी हमारे पीरियड होते हैं वो हमारे शॉर्ट रन कहलाते हैं। नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के टर्म पे हमारा जो ये शॉर्ट रन आउटपुट है इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे शॉर्ट रन का मतलब क्या है, इट डिफाइन एज अ पीरियड ऑफ टाइम, ये क्या डिफाइन करता है, पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल, यानी कि यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी किसी भी तरह का कोई रोल प्ले नहीं कर रही है, यानी कि ये मेरा वो पीरियड ऑफ टाइम है जहां पे टेक्नोलॉजी कोई रोल प्ले नहीं कर रही है इन द डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट। यानी शॉर्ट रन में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो किसी भी तरह का कोई रोल प्ले नहीं कर रही है, यानी वो हमारे आउटपुट पे किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं कर रही, यानी जो भी हमारे आउटपुट में चेंजेस आ रहे हैं, आउटपुट मेरा ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, जो भी हो रहा है उसमें टेक्नोलॉजी का कोई हाथ नहीं। अब आप कहेंगे सर जब मशीन ही नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, जब मेरे पास मशीन ही नहीं है तो मैं प्रोड्यूस कहां से कर रहा हूं। तो हमारे जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के दो फैक्टर, जैसे मैंने आपको माइक्रो में भी बताया था, माइक्रो में अगर आपने भी नहीं पढ़ा तो पहले वो भी पढ़ लीजिए, जैसे मैंने आपको माइक्रो में बताया था शॉर्ट रन में कि शॉर्ट टाइम के लिए अगर हमें बिजनेस एक महीने दो महीने के लिए करना है तो हम लोग मशीन्स नहीं खरीदते। जैसे आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे लोग क्रैकर्स की दुकान लगा लेते हैं, होली के टाइम पे लोग कलर्स की दुकान लगा लेते हैं, तो क्या इन शॉप्स के लिए वो क्या कोई मशीन लगाते हैं कि मैं क्रैकर्स खुद बनाऊंगा या मैं कलर्स खुद बनाऊंगा, नहीं ना, वो क्या करते हैं मार्केट से सामान लेके आते हैं, एक दो लेबर रख लेते हैं, उनके थ्रू सामान बिकवा देते हैं, तो कोई मशीन उन्होंने लगाई नहीं लगाई। तो शॉर्ट रन के पीरियड में हम किसी भी तरह से मशीन में एक्सपेंसेस नहीं करते हैं, हम लोग लेबर्स पे डिपेंड होते हैं। ये मेरा माइक्रो में भी कॉन्सेप्ट था, यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपने क्या कहते हैं जो माइक्रो का लास्ट चैप्टर था उसमें भी बताया था, यही सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी बताया था, और यही सेम कॉन्सेप्ट मेरा आज यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है कि मेरे शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी कोई रोल प्ले नहीं करती है, शॉर्ट रन में जो मेरा प्रोड्यूसर है वो जो भी चीजें प्रोड्यूस करता है वो सारी की सारी चीजें किस पे बेस होती है, वो सारी की सारी बेस करती है मेरे लेबर्स पे। लेबर एफिशिएंट है प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लेबर इनएफिशिएंट है प्रोडक्शन कम होगा। बात समझ में आ गई, अगर आपके लेबर ज्यादा है, एफिशिएंट लेबर है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, बट अगर आपके लेबर एफिशिएंट नहीं है तो प्रोडक्शन आपका, बात समझ में आ गई। सेकेंड मेरा आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमारी वो स्टेज होती है जहां पे हमारी जो भी चीजें हैं वो बैलेंस हो जाए, जहां पे भी मेरी बैलेंस सिचुएशन आती है या इक्वल सिचुएशन आती है वो इक्वल या बैलेंस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जैसे हम लोग ने क्या कहते हैं टीपीएमपी रिलेशन पढ़ा है, टीसीएमसी रिलेशन पढ़ा है, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिमांड और सप्लाई को इक्वल कराते थे, था ना हमारा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट, वहां पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम था। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पे भी मेरे दो कॉन्सेप्ट, कोई भी दो कॉन्सेप्ट जब वो बैलेंस स्टेज में आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट मेरा आता है आउटपुट।
आउटपुट का मतलब होता है जो भी चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी गुड्स हम अपनी इकोनॉमी में बना रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज मेरा कहलाता है आउटपुट। आउटपुट को हम लोग जीडीपी भी कह सकते हैं, क्योंकि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बेस क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में करते हैं वही प्रोडक्शन का एडिशन मेरा जीडीपी कहलाता है। तो या फिर आप इसको जीडीपी कह लो या आप इसको आउटपुट कह लो, बात यहाँ पे। तो ये तो था हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट पढ़ेंगे, यानी छोटे समय पे कम समय में हम लोग कैसे अपने इक्विलिब्रियम को मैच कर सकते हैं तब जब मेरी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, यानी टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह का चेंज नहीं। इतनी बात समझ में आ गई, अब समझते हैं इन चैप्टर्स को पढ़ने के पीछे रीजन क्या है, क्यों पढ़े भाई। सर आप कह रहे हैं पढ़ लो तो पढ़ लेते हैं, ना ना ना, ये बच्चा गलती नहीं करना ना। सर मार्क्स के लिए पढ़ ले, नहीं मार्क्स के लिए भी नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर जो है ना, वो आप मेरे कहने पे पढ़ रहे हो, ना आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, ना आप सिलेबस के लिए पढ़ रहे हो। इस चैप्टर में आप ये समझोगे कि हमारी इकोनॉमी में अगर डिमांड ज्यादा होती है तो उसको कैसे करेक्ट करें, सप्लाई ज्यादा हो रही है उसको कैसे करेक्ट करें, सेविंग ज्यादा हो रही है उसको कैसे करेक्ट करें, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है उसको कैसे करेक्ट करें, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं उसको कैसे कम करें, इनकम ज्यादा हो रही है उसको कैसे बैलेंस करें। यानी इस चैप्टर में आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सीखोगे, क्योंकि यहाँ पे लोग पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग सीखोगे। तो अब आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है इक्विलिब्रियम का। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम स्टेज है वो इक्विलिब्रियम स्टेज कहाँ मैट करती है, इट रिफर टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। हमारी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो कहाँ पे आती है, जब मेरा एडी इज इक्वल टू एएस हो जाता है। AD equal to AS का मतलब जब हमारे aggregate demand is equal to the aggregate supply हो जाती है, वो condition मेरी कहलाती है equilibrium output। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये बात नहीं समझ में आई कि जब equal है तभी क्यों equilibrium आ रहा है ना, कि जब हमारी aggregate demand is equal to aggregate supply है तभी क्यों आ रहा है। तो हमारी जैसे मैंने अभी कहा कि जब हमारी concept में balancing होती है तब बैलेंस होता है। तो जब हमारी डिमांड यानी हम जो खर्चा कर रहे हैं और जो हमारी इनकम है जब वो बैलेंस हो, मतलब जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्चा कर रहे हैं, ना इनकम ज्यादा है ना खर्चे ज्यादा है, जब मेरी इनकम और मेरे एक्सपेंडिचर दोनों बैलेंस स्टेज में होंगे तभी तो आप खुश होंगे हमेशा, है ना। जब या अगर आप मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपए, खर्चा आप 500 रुपए कर रहे हैं तो क्या होगा, 400 रुपए उधार ला रहे हो। तो एक टाइम आएगा जब आपके पास इतना ज्यादा उधार हो जाएगा कि आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। या ऐसा हो जाए कि आप कमा 100 रुपए रहो खर्चा 80 रुपए कर रहे हो, तो 80 रुपए कहाँ जा रहा है, सेविंग में जा रहा है। और जब आपके जैसे 135 करोड़ या 100 करोड़ लोग 80-80 रुपए बचा लेंगे तो 8000 करोड़ रुपए बचा लिया गया। जी हाँ, कितना बचा लिया, 8000 करोड़। और ये तो सिर्फ 100 रुपए की फिगर थी, तो 8000 करोड़ हमारी इकोनॉमी से कम हो गया। तो भाई जाहिर सी बात है जब इकोनॉमी में पैसा ही नहीं होगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी, हो गई दिक्कत। तो आपका सेव किया हुआ पैसा, आपका छुपाया हुआ पैसा ही आपके लिए भारी पड़ जाता है। अब आप कहें सर सेविंग तो मतलब क्या, सेविंग नहीं करें, सेविंग करें बट सेविंग बैंक, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ एडी और एएस पे ही क्यों मैच करता है, तो आप यहाँ पे बताओगे कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एडी और एएस पे इसलिए मैच करता है क्योंकि इस लेवल पे हमारी इकोनॉमी में प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड जो जीडीपी होता है वो दोनों बैलेंस होते हैं, यानी हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर हमारे बैलेंस होते हैं। इसी पे बेस हमारा एक और अल्टरनेटिव इक्विलिब्रियम आउटपुट है, यानी कि एक और अल्टरनेटिव मेथड है, वो क्या है। अब जैसे हमारा एडी इक्वल टू एस होता है, अब एडी में मेरे दो कंपोनेंट होते थे, मैंने आपको बताया था कि हमारी एडी जो है वो यहाँ इस चैप्टर में लास्ट जो चैप्टर था उसमें एडी के दो कंपोनेंट थे, सी और आई। तो हमारा एडी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, सी और आई। सेम उसी तरह एएस होता है, एएस के भी दो कंपोनेंट है, सी और एस। तो सी और आई और सी और एस ये मेरे एडी और एस के कंपोनेंट हो गए। अगर यहाँ पे हम लोग सी सी दोनों से कैंसिल कर दें तो ये क्या बन गया, आई इज इक्वल टू एस, ये मेरा सेकेंड अल्टरनेटिव अप्रोच हो गया। तो इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग दो अप्रोचेस पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के, एडी इक्वल एडी एंड एएस अप्रोच एंड एसआई अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेविंग इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये दो अप्रोचेस होंगे जो हम लोग अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब
पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट से उनको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि सबसे पहले एएस मेरी यहाँ पे क्या है। एएस रिफर टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिजायर्ड वर्ड, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। एएस जो है, वो जो एएस है हमारी डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, ये क्या है, यानी कि एएस में जो मेरा प्रोड्यूसर है वो डिजायर करता है, वो सोचता है, वो प्लैंड करता है। यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया हुआ है, वो प्लैंड करता है कि मुझे अपनी इकोनॉमी में कितने गुड्स की सप्लाई करनी है। यानी एएस में मेरा जो प्रोड्यूसर है वो ये प्लान करता है कि मुझे इकोनॉमी में कितने गुड्स की सप्लाई करनी है। तो वो प्लैंड कर रहा है ना, डिजायर उसकी मर्जी है। तो जब भी आपका प्लान होता है या डिजायर्ड होती है कोई चीज, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एंड टे। क्या बोलते हैं, एक्स एंड टे। क्या बोलते हैं, एक्स एंड टे। यानी कोई भी चीज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है आपका। अगर यहाँ पे आप सप्लाई